स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यदि आपकी ITI कंप्लीट है, आप लोग ITI कंप्लीट करके बैठे हो और गवर्नमेंट वैकेंसी के इंतजार कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो कि जिसका भी फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भराना चालू होने वाला है, या आप लोग तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की और वैकेंसियों के इंतजार पे रहते हो कि वैकेंसी कौन सी आने वाली है जो ITI वाले बच्चे के लिए है, तो आज मैं आपको कम से कम ऐसे 7 वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप लोग शायद ही जानते हो। इनका सभी का फॉर्म भरना चालू है। यदि आपको फॉर्म भरना है, वैकेंसी के इंतजार पे हो, इसको जरूर देखिए कि 7 वैकेंसी कौन कौन सी हैं जिसका भी फॉर्म भरा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो पूरा नहीं देख पाते, किसी दिन कहीं रहते हैं, किसी दिन कहीं रहते हैं। तो मैंने आज 7 वैकेंसी का आपको ये बता दूंगा कि कौन सी वैकेंसी का फॉर्म कितने तारीख तक भराएगा, क्या लास्ट डेट रखी गई है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब जैसा कि ये जो ITI छात्रों के लिए मार्च की वैकेंसी है, 7 वैकेंसी ऐसी है जिसमें से फॉर्म भरा रहा है, जिसका फॉर्म भरना चालू है उसी के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी ITI है तो आप लोग इसको चुपके से फॉर्म भर दो, चुपके से कहे तो किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं, सीधे फॉर्म भरो, तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि इन जो भर्ती है, इन जो भर्तियों के बारे में शायद ही अक्सर लोग जानते हों, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, क्योंकि फॉर्म भर दो आपका तो होना जाएगा, क्योंकि जो 7-7 वैकेंसियां हैं, 7 ऐसे विभागों में है, अलग अलग विभागों के लिए निकाला गया है, अलग अलग जगह के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। यदि आप फॉर्म भर दोगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लोगे, तो सिलेक्शन होना जरूरी है, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग ये मत परेशान होना कि ये तो ऐसी आती है वैकेंसी, भाई आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, कंपटीशन की तैयारी पर जुटे हो, थोड़ा बहुत और इम्प्रूव कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मगर आपको ये तो जानना है कि कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसका फॉर्म भरा रहा है। अब एक फर्स्ट वाली वैकेंसी की बात करें, यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई तो राजस्थान इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, यानी ऐसे छात्र जो ITI कंप्लीट कर लिए हैं, राजस्थान में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, ऑल इंडिया के कहीं के भी हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन की वीडियो में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, आप वहां से फुल डिटेल देख लीजिए। और इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना है, टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई शुरू करने की यदि डेट की बात करें तो 7 मार्च से इसका फॉर्म भरना चालू है, आज 7 मार्च है, आज से फॉर्म भराना चालू है, 5 अप्रैल को लास्ट है, 5 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। पहली ऐसी वैकेंसी है जिसमें से 7 मार्च से फॉर्म भरना चालू हो गया है, 5 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। राजस्थान इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, राजस्थान में इंस्ट्रक्टर बनना है, गवर्नमेंट ITI में टीचर बनना है, क्योंकि इसमें से ऑल इंडिया को उठाया गया है कि ऑल इंडिया के कोई भी बच्चा हो इसमें अप्लाई कर सकता है। नोटिफिकेशन मैंने बताया, टेलीग्राम पे चले जाओ, पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उनसे डाउनलोड कर सकते हो। इसकी आयु क्या मांगी गई है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, फॉर्म कैसे भरें, चयन प्रक्रिया क्या होगा, सारा चीज मैंने बता चुका, उसका भी वीडियो पड़ा है, आप वहां से भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, वहां से भी इसकी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है, ये वैकेंसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की निकाली गई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाली गई है, उसमें से MTS पद के लिए, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकाली गई है, जिसमें से टोटल 141 पोस्ट है, ITI वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, 141 पोस्ट निकाली गई है। 1 मार्च से फॉर्म भराना चालू है, 1 अप्रैल को लास्ट रखा गया है, यानी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक फॉर्म भरना रहेगा, 1 महीने की टाइमिंग है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ना, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, जिसमें से आयु, योग्यता, सैलरी, फॉर्म कैसे भरें, चेंज प्रक्रिया क्या है, सारा चीज मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी पड़ा है इसका, और इसका टेलीग्राम पे जाएंगे, फुल नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें से जैसे कि CSIR की निकाली गई है, CSIR में 2 विभाग के लिए निकाली गई है, पिलानी की निकाली गई है, 1 निकाली गई लखनऊ की, ये जो वैकेंसी थी लखनऊ की, जिसमें से 1 मार्च से इसका भी फॉर्म भरना चालू हो गया है, 31 मार्च तक फॉर्म भराएगा, ये समझो 1 मार्च से चालू है, 31 मार्च तक रहेगा, जिसमें से सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको परमानेंट नौकरी, पहले मैंने बता चुका हूँ परमानेंट पूरी नौकरी के बारे में बात करूँ, किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइवेट वैकेंसी ये नहीं है, आप लोग पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक। इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, आप वहां से देखिए, इसका भी फॉर्म भर सकते हैं यदि आपकी ITI कंप्लीट है तो, क्योंकि सबसे
ज्यादा कमेंट आता है कि आईटीआई वाले बच्चे के लिए वैकेंसी कहाँ है सर, तो वैकेंसी में बता तो रहा हूँ कि अभी इतनी वैकेंसी आई है कि आप फॉर्म भरते भरते थक जाओगे, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, सिलेक्शन लेते लेते थक जाओगे, इतनी वैकेंसी आ रही है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है IREL, यानी IREL की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है ये भी पूरी पूरी सरकारी नौकरी है, इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो। आयु क्या मांगा गया है, योग्यता क्या है, इसकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन कैसे होने वाला, फॉर्म कैसे भरें, कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सारी चीज मैं बता चुका हूँ। फॉर्म भराना 23 फरवरी से 15 मार्च तक है, अभी आपके पास डेट है। यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट है इसका नोटिफिकेशन देखिए, यदि आप इलिजिबल है इसका वीडियो देख सकते हैं, इलिजिबल है तो आप भी फॉर्म भरना तैयारी करना, तभी तो सिलेक्शन होगा। तैयारी कहाँ से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक, अगला है रेलवे टेक्नीशियन। सबसे बड़ी वैकेंसी रेलवे टेक्नीशियन की निकाली गई है, जिसमें से हम लोग पद की बात कर लिए थे, योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या रखा गया है, यानी सारी जानकारी हम लोग क्लियर कर लिए थे। इसका फॉर्म 9 मार्च से 8 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। 9 मार्च से 8 मार्च तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई थी, उसमें से हम लोग देख लिए थे, डाउनलोड कर लेना, आप भी चले जाना, इसकी पूरी वेबसाइट पड़ी है, चैनल पे वीडियो पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, आप इसको देखिए, इसके बारे में तैयारी चालू कर दीजिए, इसकी फॉर्म भरने की डेट कल से चालू हो जाएगी। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अगली वैकेंसी है बिहार स्टेट की, जो है बिजली विभाग की निकाली गई, जिसमें से 2000 पद हैं, जिसमें से अप्लाई की डेट, योग्यता, फीस, सिलेबस और कौन कौन से ट्रेड होगा, किसका सिलेक्शन होगा, सारी चीज बता चुका हूं, मगर इसका फॉर्म 1 महीने के बाद होगा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसका फॉर्म भराएगा। यानी आपके पास इतने मौके हैं कि आप परेशान हो जाओगे फॉर्म भरते भरते, परीक्षा देते देते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं सर आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी बताओ कौन कौन सी वैकेंसी है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है सब आईटीआई वालों के लिए है, A to Z वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए है। आपकी आईटीआई है तो राजस्थान इंस्ट्रक्टर में जा सकते हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जा सकते हो, CSIR में जा सकते हो, फिर इसके बाद IREL में जा सकते हो, रेलवे टेक्नीशियन पे जा सकते हो, बिजली विभाग में जा सकते हो, ये बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर जगह वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो उसको फॉर्म भरिए, सभी का डिटेल वीडियो पड़ा है, नोटिफिकेशन भी पड़े हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि किसी भी प्रकार की जैसी नई वैकेंसी आए तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, वो मैं करवा देता हूँ। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे इसी तरह के नए अपडेट लेकर। जय हिंद, जय भारत।